कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैंने लिख तो दी कहानी, बना तो दी है, लेकिन मुझसे हो नहीं पाएगा या किसी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस कहानी को? कहानी जब लिख रहा था मैं, तब ये हमेशा ख्याल आता था कि कैसे इसको लिखेंगे और कौन इसको कोलैबोरेट करना चाहेगा, ये सवाल हमेशा मेरे माइंड में था। एक बार लिखने के बाद जब पूरा रेडी हो गया तो मेरी एक मीटिंग हुई गौरव के साथ, एंड उसमें मैंने सिर्फ दो तीन लाइन में ही आई थिंक सिनॉप्टिक ऐसे एक नरेशन किया गौरव को, एंड गौरव सेड यस टू इट ऑन द स्पॉट राइट अवे। ही सेड दैट ये बनाते हैं विदाउट नोइंग द डिटेल्स, विदाउट नोइंग द एंटायर, बट ही बैक्ड इट राइट एट द आइडिया लेवल। सो आई थिंक समटाइम्स यू ऑल्सो गेट लकी, एंड आई गॉट लकी दैट ही एक्सेप्टेड इट। मेकिंग एवरेस्ट फॉर मी, I often, with the entire team, we always say this, that making this show has been our Everest. There's not been a day when we have been faced with weather changes, climatic problems, all kinds of, you know, shooting in minus 6 degrees, shooting in tents, living on, sleeping on cots which are directly on the ice. I mean, we have gone through really, really very major hardships. And yes, every day we would feel ki how are we going to actually finish making this? But thankfully we have reached here. We have finished a major portion. We have just 2-3 weeks now left of shoot. And now begins our new Everest, which is you guys. How you see it, how you perceive it, do you like it? How does the audience actually go out and see a show which is thematically slightly different? Because we do want the audiences to identify with Anjali Singh Rawat and with each and every character that you see here standing on stage. Each one is trying to conquer their own Everest. So these are the multiple metaphorical themes that we are seeing in the show, and we are really hoping that audiences like them. Ashutosh ji. Yeah. Hello. Ashutosh ji. Yeah. Main Ravi Bhule, Amar Ujala newspaper se. मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि एक ये आप अलग किस्म की कहानी बना रहे हैं जिसमें नायिका जो है एवरेस्ट पर जा रही है, तो एक तरह से आपको स्पोर्ट्स पर्सन भी चाहिए था। सॉरी, आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। आप क्योंकि एक अलग तरह का सीरियल बना रहे हैं जिसमें आपकी जो नायिका है उसको एक डिफरेंट स्पोर्ट का पर्सन होना चाहिए था। ये आम खेल नहीं है एवरेस्ट पर जाना, पर्वतारोहण जो है जी। तो एक एक्ट्रेस में आपने क्या खूबियाँ पाई, क्या खूबियाँ आप चाहते थे और वो आपको कितनी मिली, ये मेरा पहला सवाल है जी। इसके बाद मैं दूसरा सवाल करूंगा जी। अंजलि सिंह रावत का जो कैरेक्टराइजेशन है, या आकाश जोशी या अर्जुन सबरवाल, इनके कैरेक्टराइजेशन में इनकी जो खुद की पर्सनल खामियां हैं वो बहुत इमोशनल इन नेचर है। तो एक कोशिश ये थी कि ऐसा एक्टर मिले जो इस कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट को बाहर ला सके, लेकिन वो लाते हुए ये देखना जरूरी है कि वो माउंटेनियर भी लगे, एंड क्या उसमें वो क्षमता है कि वो माउंटेनियरिंग की जो जो चैलेंजेस हैं जिसमें आपको क्लाइंब एक्चुअली करना पड़ेगा, कैन दैट पर्सन, कैन द एक्टर डू इट? सो दीज बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स दैट आई वॉज लुकिंग फॉर इन द एक्टर। एंड मल्टीपल ऑडिशंस के ऑडिशंस में इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग, इट वॉज ऑल्सो अबाउट एथलेटिक्स, it was also about basic climbing walls sessions, aur phir jab hum anam gaye to wahan pe humne pehle 2-3 hafte unko mountaineering ki training di wahan pe taki wo thode se taiyar ho jaye shooting ke liye and believable kar de ye is sport ko. So I think it was a combination of not only the way they look, they have to look endearing and believable, but also learning the sport of mountaineering. मेरा दूसरा सवाल ये है कि कामयाबी के एवरेस्ट का गोरेपन से कितना संबंध मानते हैं आप? ये आई थिंक गौरव ये मैं डिफ्लेक्ट कर देता हूँ। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर इजाजत हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। जरूर जरूर। आप देखिए, हम हमेशा ऐसी कहानियां कहने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे किरदारों के ज़रिए हमारे व्यूअर्स के लिए एक इंस्पिरेशन पॉइंट बने, और
इसी वजह से अगर आपका सवाल जुड़ा हुआ है हमारे स्पॉन्सर के साथ, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो हमारी इस कहानी के साथ जुड़े हैं। और ये अगर एक कहानी है जो कि भारत में कई सारी महिलाओं को ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि उनकी उनके जो भी चैलेंजेस हों उसे वो पूरा कर सकें और उनमें एक कॉन्फिडेंस आए और उस कॉन्फिडेंस का वो इस्तेमाल कर सकें, तो वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हेलो, मैं गरिमा गृहलक्ष्मी मैगजीन से, मेरा सवाल क्षमता से है। आशुतोष जी के सीरियल में मेन लीड में आना अपने आप में एक एवरेस्ट है, तो जब आप सेलेक्ट हुई और अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? पहले तो ये मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है, तो जब मुझे कहा गया कि ऑडिशन देना है एवरेस्ट के लिए और आशुतोष गुवारिकर का स्टोरी है, तो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आई जस्ट वेंट एंड आई गेव द ऑडिशन। ऑब्वियसली आशुतोष गुवारिकर सच अ बिग डायरेक्टर, और अगर उन्होंने मुझ में कुछ देखा है तो देयर मस्ट बी समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ हिम नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। बिफोर दिस मैंने कुछ एक्टिंग क्लासेस भी नहीं लिया था, तो वैसे कुछ भी नहीं मालूम था मुझे, लेकिन एवरेस्ट के साथ और अंजलि के साथ आई हैव ऑल्सो ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम क्लाइमिंग माई एवरेस्ट। इसमें एक ही चीज़ मैं ऐड करूँगा कि इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, ग्लेन अंकुश जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, हम तीनों ने उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसमें इन टर्म्स ऑफ डूइंग द रीडिंग सेशंस ऑफ ऑल द सीन्स विद द थ्री एक्टर्स, दैट बिकेम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर परफॉर्मेंसेस। शता हाय, आलोक हियर फ्रॉम सीनियर। मेरा सवाल ये था कि हमेशा हम बचपन में सोचते कि हम बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर या जर्नलिस्ट कुछ ना कुछ तो बनेंगे। आपके दिल और दिमाग में क्या था, आप बड़ी होके क्या बनेंगे? कभी आपने मतलब सोचा था कि पहाड़ों पे चढ़ेंगी, और वो कितना मुश्किल था आपके लिए? ट्रेनिंग आपने भले ही ली होगी शूटिंग के दौरान में, लेकिन कभी सोचा था कि एवरेस्ट की चढ़ाई पर? किताबों में हमने बहुत पढ़ा हुआ है एवरेस्ट के बारे में। मैंने डोकरानी के पहले स्नो भी नहीं देखा था तो और ऑब्वियसली माउंटेनियरिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग मैंने कभी नहीं किया था, बट बिफोर वी स्टार्टेड द शो वी वर पुट अंडर ट्रेनिंग, वी वर ऑल्सो सेंड टू कोलार वेयर वी हैड टू पिच टेंट, सो मेंटली और फिजिकली हम लोग तैयार थे। और या मतलब स्कूल में आई यूज्ड टू गो एंड रेस एंड ऑल दैट, बट आई हैव नेवर डन माउंटेनियरिंग और एनीथिंग एज सच। लेकिन द रीज़न वाई आई बिकेम एन एक्टर इज सो दैट आई गेट टू बी समवन आई एम नॉट, तो वाइल बींग अंजलि एंड बिकमिंग अ माउंटेनियर दैट्स नॉट मी, तो मेरे लिए इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आशुतोष सर, दूसरा सवाल आपसे, कास्टिंग में आपको कितनी डिफिकल्टीज हुई और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था आपकी पूरी टीम थी जो कहीं ना कहीं अपनी ही जगह पे माहिर थी, और ये कास्ट कितनी माहिर है और कितना आपको ढूंढने में इन्हें तकलीफ हुई? जिस ऊंचाई पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक माउंटेनियर के तौर पे जाना है, जो आपकी खुद की एक इच्छा है कि आप जा रहे हैं बिकॉज यू आर अ माउंटेनियर, यू वांट टू एंजॉय माउंटेनियरिंग, दैट्स वन थिंग, बट टू बी टोल्ड दैट अब आप एक्टर हो और आपको ये रोल करना है और आपको बहुत कठिनाई में वहाँ पे रहना पड़ेगा, कोई होटल नहीं होगा, गर्म पानी नहीं होगा, खाना वक्त पे नहीं मिलेगा, दिन ब दिन आपको सिर्फ नूडल्स खाने मिलेंगे, सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैड विच वर वी हैड टू एम्ब्रेस देम, एंड आई थिंक ईच वन ऑफ देम टुक दैट अप लाइक अ चैलेंज, आई वुड से लाइक एन एन्जॉयमेंट, लाइक एन एक्सपीरियंस, कि चलो एक बार ये मौका मिलने वाला है। मेरा हमेशा मैं सबको यही कहता था कि मुझे एक मौका मिल रहा है एवरेस्ट पे शो करने का, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, आज तक किसी और को नहीं मिला है, ये मुझे मिला है, हमें मिला है, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो दैट काइंड ऑफ गॉट इन्फेक्शियस इन ऑल ऑफ अस एंड आई थिंक वी एंजॉयड मेकिंग दिस। सर, दिस इज तन्मय जैन फ्रॉम दैनिक भास्कर। सर, मेरे कुछ सवाल हैं। सर, पहला रजत कपूर जी से कि सर, आपको हमेशा
अलग अलग अंदाज में अलग अलग रोल्स में हम लोगों ने देखा है सर, इसका ख्याल कैसे आया? दूसरा सर साहिल से और रोहन से, वो लोगों ने क्या क्या सीखा यहाँ से, और हाउ डिड यू गेट दिस, कैसे आप यहाँ तक पहुँच गए और क्या क्या सीख के जा रहे हैं यहाँ से? और सर तीसरा बहुत ही छोटा सा कि ये 104 एपिसोड्स के बाद भी हमको देखने का मौका मिलेगा या नहीं? पहला सवाल आपने पूछा कि इसका ख्याल कैसे आया मुझे, इसका ख्याल तो मुझे सपने में भी नहीं आया था, ये ख्याल आशुतोष को आया क्योंकि उन्होंने इसकी लिखाई की थी और देयर वाज अ कैरेक्टर वेयर ही थॉट आई कुड वर्क, सो ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी व्हाट इट इज एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हाय, सो आपने मुझसे पूछा मैंने क्या सीखा इस शो से। You know, I've actually learned so much, like it'll be difficult to pinpoint just one thing, but I'll still state a few points. Firstly, there are so many seasoned actors with us. So like, you know, there's Milind Gunaji and of course the stage is of course full of them, you know, Rajat Kapoor and Mohanji and everybody. So as an actor, I've grown so much. I think I'm so much better than what I was on the first day. So ye to ho gayi ek baat ki as an actor, main kitna aur confident ho gaya hu. Uske alawa, agar aap ek glacier mein rehte hai, jahan pe temperature -6 hai aur 30 din aap nahate nahi hai. So, because आपको allow नहीं किया जाता है कि आप नहाएं, because you know you can fall sick because you're in such a great height and everything, and so you have to take such precautions. So that's again a learning, a very strong learning point, you know, because I've felt like a mountaineer, I've lived Everest, I've lived the character Arjun Sabharwal, and that's why, like how Shamta stated, that's what the point of acting is. You know, आप different characters play करते हैं, आप उनमें ढलते हैं, उनकी तरह बनते हैं. So, how did this happen to me, right? Yeah. So, of course, it started with an audition. I was working as a model before this, and मैंने कैमरा फेस किया था, but you know, TV commercials आप करते हैं, आप हंसते हैं थोड़ा सा ऐसे, and कुछ कुछ करते हैं TV commercial, you know, it's a different space. Acting, I think, is a very, very, very creative job. You have to get into the whole graph, you have to understand the whole character, and Arjun, the character Arjun Sabharwal that I'm playing, it's just as heavy as the name sounds. It's got a lot of layers. He's a very, very dynamic guy. So I understood it because जब मैं पहली बार हमारी जो casting director है नलिनी रत्नम, मैं उनसे मिला एंड मैंने एक audition किया इसके लिए. Of course there were a series of auditions and series of look tests and finally I got it and so imagine how lucky am I and I'm standing in front of you answering this question, so it's been a great joyride. Thank you.